शनिवार की शाम मेडिकल चौक में मेडिकल कॉलेज के दो निवासी डॉक्टरों के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग मार्ड ने की थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दो डॉक्टर शनिवार शाम मेडिकल चौक पर फल खरीदने के लिए गए। इसी बीच इंडिगो कार से तीन चार लोग वहां आए और निवासी डॉक्टरों से विवाद शुरू कर दिया। आरोपियों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। मार्ड ने अजनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस वक्त मार्ड द्वारा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बाद इस मामले में अजनी पुलिस ने कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने अधिक जानकारी साझा की है। मेडिकल हॉस्पिटल के दो डॉक्टर थे, वो मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर में फल फ्रूट खरीद ले गए थे। फल फ्रूट खरीदने के बाद में वो टू व्हीलर गाड़ी पे बैठते समय उनका किसी को धक्का लग गया था। उससे उनको कुछ बाचाबाची और वहाँ झगड़ा हुआ था। इसमें से जो दो आरोपी है, नागेश पवार और माधव बाबर सरे, इन्होंने उनको डॉक्टर लोगों को गाली गुप्तार किया और हाथ भुक्की से मारहाण किया था। और जब वो जाने लगे तो डॉक्टर लोग उन्होंने रोका था। डॉक्टर लोगों के कंप्लेंट में से हमने गुनाह दर्ज किया है और दोनों आरोपी को हमने काबू में लिया है। इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। बता दें कि मार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सजल बंसल के नेतृत्व में थाने में शिकायत दर्ज की थी। डॉक्टर बंसल ने चेतावनी दी थी कि आरोपियों को तत्काल पकड़ा जाना चाहिए, अन्यथा काम बंद आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपुर।